और बड़ी खबर आपको बताए, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो वसूली कांड में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी कहा जा रहा है। 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए थे अनिल देशमुख, और आज कोर्ट में भी पेशी होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इसे अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा रही है। पूरा ये वसूली कांड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला, और इसमें गिरफ्तारी से कही जा सकती है बड़ी गिरफ्तारी अनिल देशमुख की। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए हैं। वसूली के पैसे को हवाला के जरिए भेजा, ये आरोप अनिल देशमुख पर है। देखिए, बड़े आरोप है, फर्जी कंपनियों से पैसे ट्रस्ट को भेजे गए और भी कई बड़े आरोप। गिरफ्तारी हुई है और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे काम होता है। और बता दें आपको, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है, जांच में सहयोग नहीं करने के बाद ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल देशमुख के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं थी, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल देशमुख के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं थी। ईडी की जांच में सहयोग ना करने पर देशमुख गिरफ्तार हुए। सचिन वाजे की बहाली में देशमुख की प्रमुख भूमिका थी। सचिन वाजे को एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुके, तो इस पूरे मामले में अब देखिए किस तरीके से तमाम तथ्य सामने आएंगे, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरोप काफी गंभीर है। कल भी लगभग 12 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आज कोर्ट में पेशी होनी है, देखना होगा किस तरह की दलीलें ईडी की तरफ से दी जाती हैं। सौ करोड़ की वसूली कांड में अनिल देशमुख गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर ईडी का शिकंजा, अगला कौन? पूरे महाराष्ट्र को हिला देने वाले 100 करोड़ रुपए के वसूली कांड मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया। सोमवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया। अब ईडी देशमुख को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। 12 घंटे की पूछताछ में ईडी ने सवालों की बौछार कर दी। सूत्रों की माने तो ईडी के ज्यादातर सवालों पर देशमुख ने चुप्पी साधे रखी। देशमुख ईडी के सवालों से भागते नजर आए, जिसके बाद ईडी ने जांच में सहयोग ना करने की वजह से देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की जांच में पता चला है कि सचिन वाजे ने कई ऑर्केस्ट्रा बार से 4,70,00,000 रुपए वसूले थे, और ये पैसा वाजे ने अनिल देशमुख को दिए थे। कई दिनों से गायब चल रहे अनिल देशमुख सोमवार को अचानक 11:55 पर ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी अनिल देशमुख को 5 बार समन भेज चुकी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर वो ईडी के सवालों से बचते नजर आए। अनिल देशमुख ने ईडी दफ्तर जाने से पहले अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और पूछा कि आखिर मुझ पर आरोप लगाने वाले परमवीर सिंह कहाँ हैं? तो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, वो परमवीर सिंह आज कहाँ है? आपको बता दें, ईडी 100 करोड़ के वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और पत्नी को भी 2 बार पूछताछ के लिए तलब किया जा चुका है, लेकिन वो अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुत जल्द देशमुख के बेटे और पत्नी ईडी के सामने हाजिरी लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी, और देखना ये होगा कि आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो किस तरह की दलीलें दी जाती है, क्योंकि जिस तरह से ये नाम सामने आया था, ऐसे में बड़े आरोप थे। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको आरोप भी बताते हैं कि आखिरकार अनिल देशमुख पर क्या आरोप थे। बार रेस्टोरेंट मालिकों से 100 करोड़ की उगाही का आरोप था। वसूली के लिए पुलिस अफसरों का रैकेट बनाया, ये भी आरोप। बिल्कुल, और इसके अलावा वसूली के पैसे को हवाला के जरिए भेजा जाता था, ये भी खबर सामने आई है। तो ईडी को कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, फर्जी कंपनियों से पैसे ट्रस्ट को भेजे गए, ये भी बात सामने आई है। इसके अलावा गृह मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग किया गया। सचिन वाजे की बहाली में देशमुख की भूमिका काफी बड़ी रही थी, और ऐसे में लगातार जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो ये तमाम आरोप, और अब ऐसे में क्योंकि 12 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है। निश्चित तौर पर कहा यह भी जा रहा है कि सहयोग भी उन्होंने नहीं किया पूछताछ में, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये जो तमाम आरोप आप देखिए, वसूली की रकम पीए कुंदन के जरिए पहुंची थी, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सचिन वाजे से जिस तरीके से तमाम चीजें बातें सामने आई, उससे साठगांठ की मार्च 2021 परमवीर सिंह ने सीएम ठाकरे की बात भी सामने लेकर आए थे वो।
तो देखिए ये तमाम तरह के जो आरोप है, ये पूरा हम आपको टाइमलाइन पूरा हम आपको बता रहे हैं घटनाक्रम किस तरह से इस मामले में जब जांच शुरू हुई तो कैसे कैसे तथ्य सामने आए। 10 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और देखिए इस तरह 26 जून को ईडी ने देशमुख को पेश होने के लिए समन भी भेजा। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए ईडी ने देशमुख को कई बार समन भेजा लेकिन वो गायब होते रहे और कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए कि देशमुख पर अब तक क्या एक्शन है। 4.2 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है, आप समझ सकते हैं इससे कि कितना बड़ा ये अपने आप में एक्शन है। इसी के साथ सीबीआई 2 बार छापा मार चुकी है। पूजा, बिल्कुल, तो देखिए ये तमाम चीजें हम आपको बता रहे हैं। पीए संजीव पलांडे इस मामले में उनकी पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पीएस कुंदन शिंदे वो गिरफ्तार हुए। खुशबू, बिल्कुल, और चलिए इसी बीच पूजा ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता राम कदम ने भी ट्वीट किया है और क्या कुछ उनका ट्वीट है ये भी सुना देते हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब देश को इंतजार है कि हर महीने 100 करोड़ के वसूली में उनके आका कौन है, वसूली के हिस्सेदार तीनों दलों के कौन कौन बड़े नेता है, ये सवाल भी उठाया है और ट्वीट किया है। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग है। तो देखिए बीजेपी नेता राम कदम ने ये ट्वीट किया है इस मामले को लेकर, लगातार घिरते हुए दिख रहे हैं और अब आज कोर्ट में पेशी होनी है और कौन से नए फैक्ट्स सामने आएंगे ये देखना होगा।